हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाहिद बख्श सोलंकी टीवी और आज मैं हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोग वायरलेस माउस वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये माउस तकरीबन 500-600 रुपए का या 1000 रुपए तक का माउस मिल जाता है और वो ब्लूटूथ के ज़रिए काम करता है। तो मेरे स्क्रीन पर कुछ माउस खुले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। ये तकरीबन 500-600 रुपए का माउस है जो वायरलेस माउस है जो ब्लूटूथ के ज़रिए काम करता है। तो मैंने सोचा आज दोस्तों के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूं जिसमें हम सीखेंगे कि ये 600 रुपए भी हमें ज़ियान नहीं करने। आपके पास, या मैं कहता हूं हर आदमी के पास, हर स्टूडेंट के पास जो मोबाइल फ़ोन है वो मौजूद होता है, ख़ास तौर पे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जिसके पास भी है वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो हम उस एंड्रॉयड फ़ोन को वाईफाई माउस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सीखने से पहले व्यूअर्स, आप मेरे चैनल पे जाएं, मेरे वीडियोस को देखें। मेरे चैनल का नाम है वाहिद बख्श सोलंकी टीवी। जैसे आप यूट्यूब में ये टाइप करेंगे तो आ जाएगा और वहाँ पे वीडियोस सब्सक्राइब भी करें और मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए सीखते हैं वाईफाई माउस अपनी मोबाइल को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और हाउ टू यूज़ अवर मोबाइल फ़ोन एज अ वाईफाई माउस। ये देखें, गूगल में लिखना है वाईफाई माउस, तो गूगल में लिखना है वाईफाई माउस। वाईफाई माउस लिखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आ गई हैं। ये देखिए वाईफाई माउस डॉट nectar.us, ये पहली लिंक है, इसको ओपन करना है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने आपकी मोबाइल के लिए और आपकी कंप्यूटर के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके ज़रिए आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने फ़ोन को वायरलेस माउस, कीबोर्ड या रिमोट डेस्कटॉप के लिए भी, या ट्रैक पैड के जरिए की जगह पे भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये 600 या 500 रुपए आप बचा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि जी वाईफाई माउस सॉफ्टवेयर जो है ये प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और अपनी मोबाइल में भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी और कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो आप मोबाइल में तो कर लीजिएगा, मैं आपको अपने कंप्यूटर पे कैसे डाउनलोड करते हैं वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको वहाँ पे प्ले स्टोर पे नहीं मिल रही है तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है या ओएस है तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड के लिए यहाँ से, आईफोन के लिए यहाँ से और आईपैड के लिए यहाँ से कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, आपने वाईफाई माउस ऐप इंस्टॉल कर ली अपनी मोबाइल में, उसके बाद यहाँ पे ये माउस सर्वर जो है ना इंस्टॉल करना है। यहाँ पे विंडोज़ वाला वर्जन हमें करना है, ये नहीं करने, ये दूसरे होते हैं, ये मेक ऑपरेटिंग सिस्टम का है, उबंटू का है, हमें विंडोज़ यूज़ करते हैं तो हम विंडोज़ का वर्जन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड जैसे ही क्लिक किया, ये देखें ओपन करते हैं तो ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको यस कर देते हैं, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो नीचे ये देखें यहाँ पे माउस सर्वर इज़ रनिंग इन बैकग्राउंड, आईपी एड्रेस 192.168.2.19 और 7.1। तो ये जो है वायर्ड नेटवर्क है मेरा और ये यहाँ पे वाईफाई जो मेरे पास कनेक्टेड है वो है। तो यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि आपकी मोबाइल और आपका पीसी एक ही नेटवर्क पर होने चाहिए। तो देखिए मैं अपनी मोबाइल पे आ गया हूँ और मोबाइल पे मैंने वो जो सॉफ्टवेयर है वाईफाई माउस का, ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इसको ओके कर दें, इसको बैक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सर्च कर रहा है, आप यहाँ पे देखें, सॉरी, जैसे हमने इसको ओपन किया तो ये सर्च कर रहा है और नीचे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मेरे कंप्यूटर का नाम है ऑफिस पीसी,
तो वो यहाँ पे आ गया है, इसको सिंपली टैप करना है। जैसे ही हम टैप करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, और मैं अभी अपनी फिंगर इसके ऊपर घुमा रहा हूँ। ये देखें, मैं अपने कंप्यूटर का स्टार्ट मेन्यू अपनी मोबाइल से खोल रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका आपको फ़ायदा ये है कि आप जो है वाईफाई की जो रेंज होती है वो तकरीबन 30 मीटर्स टू 40 मीटर्स या 50 मीटर्स तक होती है, और ब्लूटूथ की जो रेंज होती है 10 फुट की होती है, और वो बहुत ही कम रेंज होती है। और जो वाईफाई माउस आप अपनी मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी रेंज भी बढ़ जाती है वायरलेस माउस की। उसके अलावा आपके 500 या 600 रुपये वो भी बच जाते हैं। और आप अगर वायरलेस माउस लेते हैं तो वो उसको रखने के लिए बैग में जगह भी आपकी बच जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, आप इसको यूज़ करें। तो अभी मेरी वाईफाई माउस कनेक्ट हो गया है, मैं वायरलेसली अभी कोई भी चीज़ यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। फॉर सपोज़ कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो हमारे इसमें जो है, आप मोबाइल को भी देखें, यहाँ पे अगर आपको कुछ यूज़ करना है तो ये देखें, यहाँ पे ये इसकी सेटिंग्स हैं, ये सेटिंग्स हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नया फीचर है इसका, मैं वो आपको बता दूँ, हैंड राइटिंग। ये देखें, आप स्क्रीन पे हैंड राइटिंग भी लिख सकते हैं, मीडिया प्लेयर को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन चला सकते हैं, ब्राउज़र चला सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं जो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपका जो कीबोर्ड है वो भी आपके मोबाइल में आ जाएगा। यहाँ से आप कुछ भी टाइप भी कर सकते हैं ऊपर। जैसे यहाँ पे मैं यूट्यूब खोलना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मोबाइल से टाइप करूँगा YOU। ये देखिए, खुद ब खुद आ गया और यहाँ पे डन कर दिया। तो ये देखें, मैंने वायरलेसली 30 मीटर दूर खड़े होकर अपनी कंप्यूटर पे वेबसाइट खोल ली। ये साफ उनके लिए भी बेहतरीन है, ख़ासतौर पे जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो अपनी मोबाइल पर इंस्टॉल करके अपनी मल्टीमीडिया कंट्रोल जो PC होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं दूर से, और अपनी प्रेजेंटेशन को अपनी मोबाइल से ही नेक्स्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो रिटर्न करते हैं इसको, देखें ये तो हो गया इसका कीबोर्ड का फीचर। उसके अलावा यहाँ पे ये देखें, सिमुलेशन है, मीडिया प्लेयर है, प्रेजेंटेशन है, ठीक है, गेम्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। PC को शट डाउन भी कर सकते हैं यहाँ से। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट हो सके और आपके पास नए वीडियोस नोटिफिकेशन में पहुंच जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में रात।